तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में। और ये है मेरी सिस्को पैकेट ट्रेसर की 5वीं वीडियो, जिसके अंदर अब हम थोड़ा सा ग्रो करने वाले हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक एक ही रहेगा कि हम वीलैन कैसे बना सकते हैं, हाउ टू क्रिएट वीलैन इन अ स्विच। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर व्यूज़ आए। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उठाना पड़ेगा यहाँ से एक स्विच। तो ये मैंने स्विच उठा के यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद हमें ना अब पीसी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वीलैन बनाने वाले हैं हम। तो यहाँ से हम एक पीसी उठा लेते हैं, पीसी लैपटॉप आप कुछ भी उठा सकते हैं। तो मैं उठा लेता हूँ पीसी। अगर आपको एक से ज़्यादा पीसी या कोई भी चीज़ उठानी है तो आप कंट्रोल दबा के यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक ही आ रहा है अभी, फिर से आपको दोबारा यहाँ जाना पड़ेगा। बट आप जब कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ना उस पर, अभी मैंने कंट्रोल दबा के क्लिक करा है, तो मैं ऐसे 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 ला सकता हूँ, टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ मैंने 5 उठा के रख लिए हैं, 5 पीसी मैंने उठा के रखे हैं। उसको थोड़ा लाइन में लगा देते हैं। अब मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा स्विच से। तो स्विच से पीसी को जोड़ने के लिए एक केबल का यूज होता है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट केबल। तो यहाँ स्ट्रेट केबल पे भी मैं अगर सिंगल क्लिक करके जाता हूँ, तो यहाँ मैं इसको जोड़ता हूँ फास्ट इथरनेट 0 से, और यहाँ जोड़ता हूँ फास्ट इथरनेट 0/1 से। तो अब देख सकते हैं केबल चली जाएगी। बट अगर मैं कंट्रोल दबा के इस पे करता हूँ तब ये केबल नहीं जाएगी 0/, ये मैंने इसको इससे जोड़ दिया। देख सकते हैं केबल नहीं जा रही है, मेरे को बार बार वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको हो सके तो लाइन वाइज ही जोड़िए, क्योंकि हमें बाद में यूज़ करने में आसानी होगी। जैसे इसको 0/4 से, तो अब इसको मैं 0/5 से ही जोड़ूंगा। और इस पीसी को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे अब ये सबका सब हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे करके सारे पोर्ट अप हो जाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन डॉट बना हुआ आ रहा है, ग्रीन डॉट। तो ये सब अप हो चुका है, बट अभी हमें यहाँ पे ना इसके पोर्ट नंबर नहीं दिख रहे। तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस में जाके हम यहाँ पे, इधर ही कहीं दिखेगा आपको, यहाँ देखेगा आपको ऑलवेज शो पोर्ट लेबल। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको शो। तो अब यहाँ पे आपको पोर्ट लेबल भी दिखेंगे कि फास्ट इंटरनेट 0/0, 0/2 से लेकर 0/5 तक स्टार्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वीलैन का काम क्या होता है। वीलैन का मतलब होता है हम वर्चुअल लैन उसके अंदर बना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मेरे को एक स्विच से बहुत सारे पीसीस कनेक्ट है, बट उसमें से ये 2 पीसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं, ये 2 पीसी सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, और ये एक सिंगल पीसी एचआर डिपार्टमेंट का है। तो ये सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे मेरे को, पर मैं नहीं चाहता कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट करें, सबका डिपार्टमेंट अलग होता है। तो हम उसके लिए वीलैन क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि वीलैन कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम स्विच के अंदर जाते हैं, पीसी का यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है। हम लोग स्विच के अंदर गए तो यहाँ पे आपको पहले ही एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि सारे के सारे पोर्ट अप हो चुके हैं। यहाँ मैं जाता हूँ अनेबल वाले मोड में, उसके बाद अनेबल करता हूँ, फिर जाता हूँ मैं, यहाँ पे पहला काम आता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि कितने वीलैन हैं। तो यहाँ SHOW शो वीलैन डाला मैंने, वी डालते ही शायद ये ले लेगा, नहीं ले रहा। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक भी विलन नहीं बना। कुछ जो पहले डिफ़ॉल्ट हैं, जो 1 से लेकर 24 तक आपके होंगे, जितना पोर्ट आपके स्विच के अंदर होंगे 24 पोर्ट हैं। उसके बाद 2 GB पोर्ट भी होते हैं, 1 और 1 2। उसके बाद ये जो बाकी के 4 हैं ना, ये टोकन रिंग, ये सब अभी मैंने ये विलन नहीं बनाया है, तो मुझे अभी बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कन्फिग मोड में, कन्फिग्रेशन मोड के अंदर गए। तो मैं पहले बनाना चाहता हूँ वीलैन। तो 1 वीलैन हम कभी नहीं बनाते, क्योंकि वो पहले से ही डिफॉल्टली सेट होता है। हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं जाता हूँ वीलैन 2, मैंने मारा एंटर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कन्फिग और वीलैन, मतलब हम वीलैन 2 के अंदर एंटर हो चुके हैं। फिर मेरे को उसका कोई नाम देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं, बट एक सिनेरियो बना लेते हैं कि हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट को वो देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम करके, और अकाउंट नेम से मैंने उसको दे दिया। फिर एक एंटर मारा तो नेम अकाउंट वो ले चुका है। फिर मेरे को कर देना है एग्जिट। ये मेरा एक वीलैन बन चुका है। उसके बाद हम दूसरा वीलैन बनाते हैं, ऐसे में हम 3 बना लेते हैं अपना। तो मैंने दूसरा बनाया वीलैन 3 बना दूसरा, लेकिन नाम 3 आएगा क्योंकि पहला वाला डिफॉल्ट होता है। इसको मैं नेम दे देता हूँ सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट का गया। उसके बाद कर दिया मैंने एग्जिट। उसके बाद एक बनेगा वीलैन
फोर, जिसको मैं नेम दे देता हूँ अपना आईटी का नेम, क्योंकि हम आईटी के बच्चे हैं। और फिर से कर दिया मैंने इसको एग्जिट, ये गलत कमांड, एग्जिट। अब मेरे तीन विलेन मैं इसके अंदर बना चुका हूँ, तो अब मेरा को एक और काम करना पड़ेगा इसके अंदर उन्हीं पोर्ट्स के लिए। तो फिर मेरे को कमांड देनी पड़ेगी इसके अंदर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, क्योंकि 0/2 से मैंने जोड़ा है उसको, नो सॉरी 0/1। यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि पहला वाला जो पीसी है वो मेरा जुड़ा है 0/1 से, उसके बाद 2 जुड़ा है इसके अंदर। तो मेरे को इनको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कि ये वाले इसके अंदर पहले डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये वाले किस डिपार्टमेंट में जाएंगे और ये वाले किस डिपार्टमेंट में जाएंगे। अभी सिर्फ मैंने उनके अंदर वीलैन बनाए हैं बस, अभी मैंने स्विच के अंदर बाकी कुछ नहीं करा है। तो मैं दोबारा स्विच के अंदर जाता हूँ, तो अब मैं डिफाइन कर देता हूँ इनको। तो सबसे पहले आईपी जाएगी, वो हमारी कमांड जाएगी इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1। आप ये दबा टैब दबा के भी कर सकते हैं, और FAST दबा के फास्ट इंटरनेट ले लेगा, टाइम बचेगा हमारा। 0/1 में मैं गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को डालना पड़ेगा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2 के अंदर। स्विच पोर्ट पूरा का पूरा ले लिया उसने अपने आप, एक्सेस ये भी ले लिया टैब दबा के, और वीलैन 2, क्योंकि पहला वाला वीलैन जो था हमारा वो 2 था। हम 2 के अंदर हमारा पहला वाला जो पीसी है वो मैं वीलैन 2 के अंदर देना चाहता हूँ, जो मैंने अकाउंट्स के लिए दिया है। मैंने मारा इसके अंदर एंटर और कर दिया एग्जिट, बस इतना सा ही काम है। ऐसा हमको पांचों पीसी के लिए करना पड़ेगा। हम अगर हमारे पास ज़्यादा पीसी है, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट के अंदर ही 10 या 20 पीसी देने हैं, तो हम उसके लिए ना रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, इन जैसे स्विच पोर्ट रेंज एक्सेस और करके, कितना 1 से लेके मेरे को 20 तक देना है तो कर सकते हैं, बट अभी 2 ही हैं तो हम अपना मैनुअली कर लेते हैं। फिर मैं डालता हूँ एरो दबा के, अपना काम बचा सकता हूँ मैं वीलैन 2 के अंदर। ये इंटरफेस ये वाला मैंने 2 के अंदर डाला, और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस मैंने इसका कर दिया वीलैन 2 के अंदर ही हमें रखना है। फिर कर दिया मैंने एग्जिट, फिर से मैंने एक कमांड डाली स्विच पोर्ट ये वाली फास्ट इंटरनेट। अब मेरे को जाना है 0/3 के अंदर, ओके, और इसको मेरे को डालना है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। ये भी मेरा 2 में चला गया, गलती से एंटर दब गया। तो मेरे पहले 3 पीसी अकाउंट्स में चले गए, बाकी के 2 अब मैं डिफाइन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। एग्जिट करा, अब मैं डालता हूँ ये मैंने डाला 4th पीसी अपना, एंटर मारा। उसके बाद मैं डाल देता हूँ इसमें एक्सेस वीलैन 3 के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ 1 पीसी, और कर दिया मैंने एग्जिट। फिर आता है मेरा स्विच पोर्ट ये वाला 5वां, इंटरफेस ईथरनेट 5th वाला, एंटर दबाया। फिर मैं डाल देता हूँ इसका स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 4, जो हमने क्रिएट करा था लास्ट वाला वीलैन, और कर दिया मैंने इसको एग्जिट। तो मतलब अब ये जितना भी मेरा सारे के सारे पीसी है ना, ये 3 जो मेरे पीसी हैं पहले के 3, ये अकाउंट्स में जा चुके हैं, ये वाला मेरा सेल्स में जा चुका है, और ये वाला अकेला आईटी में जा चुका है। वीलैन अब सारे के सारे बन चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा वीलैन जो भी हमने बनाया है वो बना है ठीक से, नहीं बना, कौन से पीसी किस डिपार्टमेंट में है। तो उसके लिए नॉर्मल सी हमारी कमांड है, शो करेंगे हम, एग्जिट करा मैंने इसको, कंट्रोल जेड से भी जा सकते हैं। अब मैं डालता हूँ इसके अंदर शो वीलैन, जो हमने सबसे पहली कमांड चलाई थी। अब यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा पहले जो हमारे डिफॉल्ट थे, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो गया एक्टिव फास्ट इथरनेट 1, 2 और 3। फास्ट इथरनेट जो हमारी केबल है उससे जो पीसीस जुड़े हुए हैं, जैसे 1, 2, 3 अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट में मेरे एक ही पीसी जा रखा है जो है 0/4, और आईटी डिपार्टमेंट में मेरा फास्ट इथरनेट 0/5 जा रखा है, जो भी मेरा एक ही पीसी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है इंटर वीलैन राउटिंग, तो आगे हम धीरे धीरे ग्रो करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, साइनिंग ऑफ।